और यहाँ पे भाई जो सबसे बढ़िया खूबसूरत दिख रहा है व्यू वो ये है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 11:15 हो रहे हैं और अभी मैं और विराज भी कठौता झील पे हैं और एकदम सडन प्लान बन गया हमारा कि हम चल रहे हैं मरीन ड्राइव। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और आपको मिलता हूँ मैं मरीन ड्राइव पे, क्योंकि आज हम वहाँ पे बहुत मजे करने वाले हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, विराज दूसरी तीसरी बार जा रहा है तो इससे ज़्यादा पता है। तो चलिए भाई निकलते हैं यहाँ से गो, और अभी हम चलेंगे विराज के साथ। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और ये रही हमारी कठौता झील। और ये झील भाई शाम को ना यहाँ आने लायक होता है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं। फाइनली लोग मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं। ये है मरीन ड्राइव का व्यू, यहाँ है अंबेडकर पार्क, इस तरफ है 1090 चौराहा और सामने है मरीन ड्राइव, इधर अंबेडकर पार्क और ये सामने है हमारी मरीन ड्राइव। पहुँच चुके हैं फाइनली मरीन ड्राइव, इसलिए फाइनली मरीन ड्राइव आ चुके हैं और अभी करते हैं हम यहाँ से एंट्री और एक्सप्लोर करते हैं मरीन ड्राइव। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, हम लोग अभी एंट्री करें मरीन ड्राइव में। फर्स्ट व्यू कुछ ऐसे है, वाव। फाइनली मरीन ड्राइव के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भाई जो सबसे बढ़िया खूबसूरत दिख रहा है व्यू वो ये है। इतनी बड़ी बुद्ध जी की मूर्ति है ना, यहाँ पे आने के बाद यही सबसे अच्छा लगता है, ये दिखता है और यहाँ पे एकदम शांति रहती है और शाम क्या टाइम आने की बात ही अलग है। ये कहा जाता है क्लीनेस्ट एरिया इन लखनऊ और ये सबसे सुंदर सबसे साफ प्लेस है लखनऊ का, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा न्यूज़पेपर भी कहता है। जितने स्टेप्स आप लोगे उतने प्रकार के नए नए फूल देखने को मिलेंगे जो कि वाकई बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली गाइस यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ कि यहाँ पे करना क्या है, सब चलते जा रहे हैं, मैं भी चलते जा रहा हूँ और बस आगे बौद्ध जी की मूर्ति दिख ली है और एक VIP लेन पे चल रहा हूँ और बहुत शांति है। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, रेड कारपेट पड़ी उसमें मैं चल रहा हूँ। किसी को अगर आकार देना हो, किसी को कोई शेप में लाना हो, तो उसको हमेशा बचपन से सुधारना पड़ता है ऐसे, तब वो जाके इस शेप में आता है। इसी प्रकार से विराज को और मुझे मेरे पेरेंट्स सुधारते हैं। तो गाइस मेरी राइट में है गोमती रिवर फ्रंट और मैं जहाँ चल रहा हूँ वो है मरीन ड्राइव और मेरे लेफ्ट में है अंबेडकर पार्क। ये इधर साइड में है गोमती रिवर फ्रंट जहाँ कि अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे। तो गाइस यहाँ पे भी शाम को ही आने लायक होता है क्योंकि शाम को सारे जन आते हैं और ये जो आपको खाली दिख रहे हैं सीटें ये सब पूरी भरी होती हैं, लोग बैठते हैं और मरीन ड्राइव पर बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। देखो कितने ज़्यादा गिर गए हैं और लिटरली गाइस हम लोग बस चलते जा रहे हैं, वहाँ चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत रोड है। हम लोग 1 किलोमीटर लगभग आ गए हैं और अभी आगे बस ये रोड ही दिखती चली जा रही है और बहुत लंबी मरीन ड्राइव है भाई। और शाम के टाइम पे यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। मैं आपको बता दूँ, एक तरफ अम्बेडकर पार्क है, ये मरीन ड्राइव है, एक तरफ गोमती रिवर फ्रंट है और फिर उसके आगे 1090 चौराहा है। ड्राइव से शॉर्टकट है नीचे रोड पर जाने के लिए और इधर बगल में है भाई साहब अम्बेडकर पार्क, जहाँ तक नज़र जाती है बस फूल पत्ती पेड़, वाह भाई लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद जो एहसास होता है वो शब्दों में शायद ही बता पाऊँ। तो भाई अब हम लोग चल रहे हैं मरीन ड्राइव से गोमती रिवर फ्रंट की तरफ आ रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट वो भी छुपके हुए है, देख सकते भाई पता है हम लोग बिना टिकट के इधर रिवर फ्रंट के जा रहे हैं, रिवर फ्रंट पे चल रहे हैं। हाँ यहाँ से इसका रास्ता है और चलिए देखते हैं कैसे जाना है नीचे, बाकी मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कोई पकड़े ना बस। गोमती रिवर फ्रंट और यहाँ से इसका रास्ता, से वही रास्ता है और यहाँ से भी है। तो अभी हम लोग बस एंट्री करने जा रहे हैं रिवर फ्रंट में और ये आ गए हम लोग एंटर हो गए। बस वो लाइन का फ़र्क है, उस लाइन के उस पार है मरीन ड्राइव और इधर रिवर फ्रंट, वहाँ से उतर के हम नीचे आ चुके हैं और एकदम अब हम लोग पहुँच चुके हैं गोमती रिवर फ्रंट में। ये है गोमती रिवर फ्रंट पूरा सामने जो दिख रहा है और यहाँ पे अभी कुछ खास व्यू नहीं मिल रहा है भाई, जितनी इसकी बातें सुनी थी ना वैसे दिखता नहीं है। फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोमती रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट और वहाँ पे भाई किसी की डेड बॉडी निकाली जा रही है, सारी पुलिस लोग निकाल रहे हैं। तो भाई यहाँ कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, चारों तरफ फ्लावर्स वगैरह तो बहुत लगे हैं मरीन ड्राइव पे, रिवर फ्रंट पे, सारी तरफ, अम्बेडकर में कुछ नहीं। और ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, वाह। ठीक है, इस तो भी रिवर फ्रंट पे हम लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे सामने देखो कुछ अच्छा सा देखने को मिला और यहाँ पे सामने पूरा रिवर फ्रंट।
इस अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ मतलब इस हट के नीचे से बैठ के आप पूरी रिवर फ्रंट का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हैं, और यहाँ पे जब लाइट शो चलता है तो और भी ज़्यादा आनंद आता है। बन रखे हैं चारों तरफ, हम भी इधर हैं और इधर भी। ठीक है, अभी फाइनली हमको कहीं प्लेस मिल गई और हम लोग मस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरा पार्क है इधर और गार्डन एरिया, बस थोड़ी देर हम आराम करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं। इस आपके अलग ही शौक है, ये देखो वाह लेट गए। हम एंट्री तो फ्री में कर लेते हैं लेकिन अब एग्जिट कैसे करेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि मेन गेट यही है और यहाँ पे सारे टिकट चेक्स होता है। पहले भी रिवर फ्रंट से मैं बाहर हो चुका हूँ और बाहर आते ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी फेमस, जैसे कि तंदूरी चाय, तंदूरी कॉफ़ी। तो रिवर फ्रंट भी घूम लिए और हम लोग ने मरीन ड्राइव भी घूम ली, तो अब भाई चल रहे हैं वापस यहाँ से, और अब आपको मिलता हूँ मैं रास्ते में या फिर पार्किंग एरिया में। पार्किंग एरिया में तो उठा देते हैं व्हीकल और चलते हैं यहाँ से। ये रही बौद्ध जी की मूर्ति, और अब यहाँ से भी हम लोग बाहर हो रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से बाहर आके यहाँ आना इसलिए पड़ा क्योंकि हमने थंबनेल के लिए फ़ोटो नहीं ली थी, तो थंबनेल के लिए फ़ोटो भी ले लिए और अब चल रहे हैं घर। मरीन ड्राइव से हो रहे हैं हम बाहर, कुड़ी भी आ गई पार्किंग से और हम निकलते हैं। तो भाई ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो वाह भाई कितना प्यारा व्यू है। एक से फाइनली मैं सोसाइटी में पहुंच चुका हूं, तो वैसे भी चलते हैं घर, और मैं फाइनली पहुंच गया हूं, काफ़ी एंजॉय किया। मस्त मैं सोसाइटी में आ गया हूं और आज का ब्लॉग मैं पेंट करूँगा। होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग, तो मिलते हैं आपको कल एक नए दिन एक नए ब्लॉग में। क्लिप बाय बाय एंड टेक केयर। तो गाइस यहां पे भी हमको भी तो यार रहने दो यार।